ग्वालियर में सोमवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा का एक अनोखा ही अंदाज देखने को मिला। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के पहले सोमवार को प्रचार का आखिरी दिन था। प्रचार थमने के बाद दोनों ही नेता टेबल टेनिस खेलते नजर आए। दोनों का टेबल टेनिस मुकाबला हुआ। इस खेल में सिंधिया ने सुमन को 3-1 से हरा दिया। सुमन शर्मा भले ही ये मुकाबला हार गई, लेकिन उनका असली मैच बुधवार को होगा, जब महापौर पद के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं इस खेल के बाद सिंधिया ने भी कहा कि अभी चुनाव पर ही पूरा फोकस है। वैसे सिंधिया और सुमन शर्मा के टेबल टेनिस खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहाँ लोग सुमन के लिए कह रहे हैं कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर नगर निगम से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा के टेबल टेनिस खेल का ये वीडियो जीवाजी क्लब का है। असल में सुमन शर्मा के लिए सिंधिया रोड शो कर रहे थे, जहां 4 बजे से ये रोड शो होना था। वहीं जैसे ही रोड शो पूरा हुआ तो सुमन शर्मा काफी तनाव में नजर आ रही थी, जिसके बाद सिंधिया सुमन को लेकर टेबल टेनिस कोर्ट पहुंच गए और उनके साथ मैच खेला। इस खेल में भले ही सिंधिया सुमन से जीत गए, लेकिन उन्होंने सुमन से कहा, टेंशन मत लो, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वैसे सुमन शर्मा वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की प्लेयर रह चुकी हैं। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सोमवार को प्रचार खत्म होने के बाद भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित भोजपुर क्लब पहुंचे और वहां क्लब के सदस्यों के साथ बैडमिंटन खेलने का आनंद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है, राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।